अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। ये मैंने चॉकलेट फज ब्राउनी बनाई है, ठीक है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट इन माय चैनल, थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। ब्राउनी मिक्सचर बनाने के लिए हमें 1 कप शुगर पाउडर, 1 कप ऑयल, 2 टीस्पून कोको पाउडर, 1 कप फ्लोर, 2 eggs, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, डार्क ब्राउन कलर एसेंस, वनीला एसेंस, चॉकलेट चिप ऑप्शनल। हम बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम 1 कप पिसी हुई चीनी में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे और फिर उसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि हमारे पास एक अच्छा सा बैटर, एक सॉफ्ट सा बैटर आ जाए। कम से कम हम लोग को 5 से 10 मिनट बीट करना है। बीट करने के बाद अब हम इसमें 2 अंडे ऐड करेंगे, जो कि हम 2 अंडे की ब्राउनी बना रहे हैं, तो हम इसमें 2 अंडे ऐड करेंगे। दो अंडे ऐड करने के बाद हम इसको बीट करेंगे। कम से कम हम इसको 10 से 15 मिनट बीट करेंगे। इससे हमारा जो बैटर होगा वो अच्छा सा आएगा, उसका लुक, और हमें टेस्ट में भी अच्छा आएगा। उसके बाद बीट करने के बाद अब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद 1 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे, जो कि हमारी अंडे की बदबू को मिटा देगा। उसके बाद हम इसको बीट करेंगे। अच्छी तरीके से बीट करने के बाद अब हम इसमें कोको पाउडर और मैदे का मिक्सचर ऐड करेंगे, और इसको मिक्सचर ऐड करने के बाद थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। उसके बाद हम इसको स्पैचुला से मिक्स करेंगे, बीटर से मिक्स नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसको जब तक मिक्स करेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास अच्छा सा बैटर ना आता। उसके बाद हम चॉकलेट चिप ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको अपने पैन में डालेंगे, जो कि ऑयल से ग्रीस हुआ हुआ है। डालने के बाद हम इसको पैन में डालने के बाद हम इसको फिर हम इसको पतीली में डालेंगे, जो हमने पहले से प्रीहीट करके रखी हुई थी 45 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद 45 मिनट्स के बाद हमने उनका खोला तो हमारा ये ब्राउनी रेडी हो चुकी है। फिर उसके बाद हम फज बनाएंगे, जिसमें हम 1/2 कप बटर में चॉकलेट डालेंगे। फिर उसके बाद हम 1 कप मिल्क डालेंगे, फिर 1/2 कप शुगर डालेंगे। फिर उसको अच्छी तरह से स्टेयर करेंगे जब तक कि चॉकलेट डिजॉल्व ना हो जाए। अच्छी तरह से स्टेयरिंग करने के बाद मुसलसल हमने इसको छोड़ना नहीं है, हमने इसको स्टेयरिंग करते रहना है। स्टेयरिंग करने के बाद फिर हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे, फिर उसको स्टेयर करना है। फिर उसके बाद अच्छी तरह से इसको विस्क करने के बाद फिर हम इसके अंदर ग्लूकोज डालेंगे शाइनिंग के लिए। फिर उसके बाद हमें इसको अच्छी तरह से स्टेयर करते रहना है। फिर हमने इसको कॉर्नफ्लोर डालना, थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। फिर उसके बाद हम अच्छी तरह से इसको ग्लूकोज डालने के बाद शाइनिंग के लिए फिर अच्छी तरह से इसको स्टेयर करते रहेंगे, ताकि ये इसका अच्छा सा मिक्सचर हमारे पास रेडी हो जाए फज का। फिर उसके बाद हमने केक निकाला और उसके ऊपर हमने ये अपनी फज बनाई हुई फज डाली। अच्छी तरह से हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। फिर उसके बाद फज डालने के बाद इसी तरह से इसको हम लोग कवर अप कर लेंगे ब्राउनी को अपने अच्छी तरीके से, ताकि इसके दिखने में ये अच्छी हो और टेस्ट में तो फिर ये बहुत ही अच्छी होगी। आप देख सकते हैं हमारी ब्राउनी कितनी अच्छी लग रही है, और कितनी चॉकलेट जो फज है हमारी वो कितनी शाइन कर रही है। आप देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही है। अच्छी तरह से इसको कवर अप करने के बाद देखें आप इसमें कितनी शाइन आ रही है, कितने मज़े की लग रही है ये। पहले हम इसको थोड़ी देर पहले ना इसको ठंडे करने के लिए छोड़ देंगे, ठंडे करने के छोड़ने के बाद ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर फज डालेंगे।